हर हर शंभू ओम नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हराली तीज कब है और इसके शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसमें 16 सिंगारों का क्या महत्व है। सावन मास में मनाए जाने वाले तीज को हरियाली तीज कहते हैं। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए गौरा और गणेश की आराधना करेंगी। इस साल 7 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं गौर और गणेश की आराधना करेंगी। सावन मास में मनाए जाने वाले तीज को हरियाली तीज कहते हैं। इस वर्ष यह 7 अगस्त को पड़ रहा है। हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार हरियाली तीज पर शिव योग का शुभ संयोग बन रहा है। इसको लेकर अभी से महिलाओं ने तैयारी शुरू कर दी है। हरियाली तीज वैसे तो मुख्यतः मारवाड़ी समाज के लोग मनाते हैं, लेकिन अब अन्य समाज में भी इस व्रत की परंपरा चल पड़ी है। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त, इस साल सावन माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 6 अगस्त को शाम 7:52 पर होगा। अगले दिन यानी 7 जुलाई 2024 को रात 10:06 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 7 जुलाई को हरियाली तीज मनाया जाएगा। शिव योग का होगा निर्माण। हरियाली तीज के दिन सुबह 11:41 से अगले दिन तक शिव योग का निर्माण होगा। मिट्टी की बनी शिव पार्वती की प्रतिमा को पूजने की परंपरा। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए शिव पार्वती की आराधना करती हैं। इस दिन हाथों में मेहंदी रचना शुभ माना जाता है। हरी चूड़ियाँ, हरे परिधान और 16 सिंगार करके संध्या में मिट्टी से बने शिव पार्वती की पूजा करती हैं। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चुनरी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाया जाता है, जबकि महादेव को पंचामृत का भोग लगाकर अखंड सौभाग्य एवं सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। एक दिन पूर्व 6 अगस्त को नवविवाहित सिंधारा पर्व मनाती हैं। इसमें साथ अपनी नई नवेली बहुओं को सुहाग का सामान देती हैं। इसी सुहाग की सामग्री को लेकर अगले दिन सुहागिन तीज का व्रत करती हैं। धन्यवाद।